सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक बिजली का इशू है, बड़ी लड़ाई बिजली की लड़ते हैं कि बिजली फ्री हो। इन सब की जड़ है कि आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। आप अगर नागपुर विचारधारा से सहमत नहीं होंगे, आप चिन्हित होंगे। वाल्मीकि समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी सफाई कर्मचारियों से किसी की कोई लड़ाई हमारी है। वाल्मीकि समाज तो हमारे साथ रहता है। जातिवाद का जहर फैलाने का काम करा है, उसका यहां से ट्रांसफर हो, यह हमारी सरकार से डिमांड है। उसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जिसने जातिवाद जहर फैलाने का काम मुजफ्फरनगर में करा है, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। 9 अगस्त को रहेगा, हर जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिए जाएंगे। आपने बहुत ताकत लगाई तो सरकार का कुछ दिमाग ठीक हुआ। किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, एलआईयू के लोग, मासिक पंचायत है, मुद्दे भी कई हैं। जब भी मासिक पंचायत होती थी, ये पिछले 37 साल से, इसमें एक तो मेल मिलाप होता था सबका, अगर भाई वहां पे सब लोग मिल जाएंगे। इशू आ जाते थे, एक महीने के बहुत इशू थे, वे आ जाते थे। उनका क्या समाधान होगा, अधिकारी सरकारों से बातचीत करने वो आ जाते थे। बीच में मीटिंग बंद रही, लेकिन ये मीटिंग फिर शुरुआत करनी पड़ी और सिस्टम ठीक चल रहा है मीटिंग का। अभी भी कुछ फैसले यहां पर लिए और कुछ मुद्दे किसानों की तरफ से आते हैं, जो बताया कि छोटे किसान हैं, हमारी आवाज नहीं उठाते। बात बिल्कुल उनकी भी ठीक है। एक तो जो नैनो यूरिया आया है, ये जबरदस्ती थोपी हुई एक चीज है, कोई इसका बहिष्कार करो पूरा, वे कोई इसको लेगा नहीं। जिसको जरूरत होगी जोन सी दवाई ठीक काम करते होगी, किसान ले लेगा, अधिकारी थोड़ा बताएगी या कंपनी बताएगी, वे इसको लेना जरूरी है। ये चलेगा ही नहीं भाई, ना हमको लेना है किसानों को, अगर भाई कट्टे के साथ में ये भी लेना पड़ेगा। एक बिजली का इशू है, हम बड़ी लड़ाई बिजली की लड़ते हैं कि बिजली फ्री हो। जो किसान जिसके ट्यूबवेल नहीं है, वो मोल का पानी चलाता है भाई, उसको भी या तो राहत दे दो उसकी भी। मतलब बिजली का रेट अब आधा हुआ, 175 से 85 हुआ, तो कम से कम उसका भी रेट आधा कर दो, या सारा बिल भी वो भी सब जिनके ट्यूबवेल लगी उसी से पूरा पड़ोगे। 37 साल से ये लड़ाई लड़ रही, लेकिन उस किसान की कौन बात करेगा। सबसे ज्यादा तो वही किसान आता है मीटिंग में, तो भाई रेट आधार जो नहीं देता, रेट आधा जो मोल लेता है उसको रेट जो पहले से देता है भाई आधा कर दो, उससे कोई वो नहीं होने का कि उसी से ही पूरी आपकी पूर्ति होगी, उसका भी कर दो। वे एक बिजली पे करवाने लग रहे कि सारा वो दे दो जी, बिजली फ्री हो जाएगी, हमें पूरा वो दे दो। 2 घंटे बिजली फ्री चल सकती है आपकी रोज, सरकार के नियम अनुसार, जो 1100-1300 जो यूनिट ये दे रहे हैं, उसके बाद में फिर बिल लगेगा, वो 2 घंटे में पूरी कर देगा, 1.5-2 घंटे में। क्या 1.5 घंटे में 2 घंटे में किसान का पूरा फट जाएगा? ये बिल बिल का पूरा नहीं पटने का, उसी से इलाज हो जाएगा। इन सब की जड़ है कि आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। जब सरकारें बात ना सुनती हो, जब अधिकारी बेलगाम हो जाते हो, तो उस टाइम पे गांव की तरफ पूजा और अपनी ताकत को मजबूत करो, अपनी जो सेना है ना, इस फौज को मजबूत करो, यही आपके काम आएगी। अपने संगठन पे ध्यान दो। आपके सामने सरकार नहीं आएगी अभी डंडा मारने, डंडा चलाने, पुलिस फोर्स नहीं आएगी। सरकार का एजेंडा, पिछले 3 साल का एक एजेंडा तय उनका हुआ,
उसको एक साल हो गया काम करते, के जो लोग हमारी विचारधारा से सहमत नहीं होंगे उनको चिन्हित किया जाए। आप अगर नागपुर विचारधारा से सहमत नहीं होंगे आप चिन्हित होंगे, आपके खिलाफ लोकल में ही मुकदमे दर्ज करवाएंगे, आपको परेशान करा जाएगा, आपका दुकान इंडस्ट्रीज कोई लग रही उसको ठप करा जाएगा, आपके बच्चे नौकरी में कहीं जा रहे वहां पे पूरा इंटरव्यू आपका नंबर नहीं आएगा। या तो आप उससे सहमत हो जाओ, और आप उससे सहमत नहीं होंगे तो ये समस्या आपके सामने आएगी। जैसे चरथावल का एक मामला है, वहां के व्यापारी अधिकारी किसानों के बीच में बैठ के बातचीत होगी कि रास्ता चौड़ीकरण 28 फुट होगा जो कागजू में है, इन लोगों ने फिर भी कहा कि 30 फुट का आप कर लो, लेकिन कुछ सरकारी संगठन बने हुए हैं उसने कहा कि नहीं 40 फुट का होगा, तो वे सरकार का काम करेंगे, सरकार तो करेगी नहीं लेकिन वे काम जरूर करेंगे। अगर एक गांव में सिखेड़ा या बहुत से गांवों में बाईपास बन सकता है तो चरथावल में भी बाईपास बन जाएगा। यहाँ के अधिकारी भी सुन लें, यहाँ के नेता भी सुन लें, जो फैसला एसडीएम और उस टाइम पे लोगों के साथ में हुआ, चरथावल के जो व्यापारी हैं वे अपना 30-32 फुट पर अपना काम निर्माण शुरू करें, कोई रोकेगा? एक किसान संगठन उनका साथ देगा। अब आंदोलन होंगे, बाईपास बनाओ, वहां को सरकार को जगह की जरूरत है, यह टसनबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी एक मामला खतौली का हुआ, ईओ था वहां पे, उसके खिलाफ वहां आंदोलन धरना प्रदर्शन था, वहां वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, जो वहां के सफाई कर्मचारी थे, उनको गलत सलत करके उनको बहका के उनको वहां पर जाया गया। उसमें कुछ संगठन के लोग भी थे, उनसे उनकी बातचीत हुई होगी, उनको बहला फुसला के वहां पे जाया गया। वाल्मीकि समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी सफाई कर्मचारियों से किसी की कोई लड़ाई हमारी है, वाल्मीकि समाज तो हमारे साथ रहता है, झाड़ू को तो हम पूछते हैं, और वाल्मीकि समाज को तो राजा कहते हैं, उनसे उनसे कौन लड़ाई लड़ेगा? वही किसानों को बेचने खरीदने का काम करता है, पुरानी परंपरा है, अगर उसके शुभ दर्शन हो जाए तो शुभ होता है, तो उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन हमारी जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी, ईओ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जिसने जातिवाद का जहर फैलाने का काम करा है उसका यहां से ट्रांसफर हो, ये हमारी सरकार से डिमांड है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जिसने जातिवाद जहर फैलाने का काम मुजफ्फरनगर में करा है उसको छोड़ेंगे नहीं हम। वाल्मीकि समाज के लोग उसे तो हमारी बातचीत होगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, वहां जाना होगा जाएंगे हम वहां पे, उनसे हमारा कोई संघर्ष नहीं है। वे तो जब यहां पर संघर्ष हुए, जब बाहर के आक्रमणकारी यहां पर आए तो धूला भंगी यहां के ही थे, बेहतर धड़ी वजन उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, वे तो सेनापति थे हमारी फौज के, तो इनका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। इनको कहा कि वहां पे किसान संगठन की मीटिंग है, वहां पे कोई पाकिस्तान के नारे लगा रहा, आपके खिलाफ नारे लगा रहा, कोई हमारे मीटिंग में कोई नारे लगा देगा? कोई बेला फुसला के काम करा गया, उन लोगों को वहां पर जाया गया, लेकिन हम जाएंगे कि जो भी हमारे लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल होंगे वे संगठन से बाहर जाएंगे। इसमें कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ इसमें सरकार के लोग हैं, कुछ इसमें हमारे लोग भी हैं, उसकी पूरी जांच होगी कौन इसमें दोषी है। संगठन के लोग होंगे तो वे बाहर जाएंगे, षड्यंत्रकारों की यहां पर जरूरत है ही नहीं। और यह भी है भाई, हर जगह कोई धरना देने की जरूरत नहीं है, आप अधिकारी से बातचीत करो, आपका काम नहीं करता, आप अपने गांव में जाओ, संगठन पर ध्यान दो, अपने संगठन को मजबूत करो। सरकार आपका काम नहीं कर रही, अधिकारी काम नहीं कर रहा, तो आप गांव में जाओ, अपने संगठन को मजबूत करो। मुसीबत किसान के ऊपर बहुत आने वाली है,
जो मजदूर हैं, किसान हैं, बिजली की समस्या होगी, खाद की होगी, पानी की होगी, फसल बेचने की होगी, ये बहुत से सवाल आपके सामने आएंगे। यहां पे कुछ मीटिंग हैं जो घोषणाएं करी वो है, कमेटी ने तय करा कि 22 तारीख की मीटिंग, 20 तारीख की मीटिंग सहारनपुर में हमारी है, हम वहां पर जाएंगे, वहां पर हाईवे बनना, वहां के किसानों ने वहां पर मीटिंग रख रखी। 22 तारीख की मीटिंग टप्पल में है, नोएडा से लगाकर आगरा का जो किसान है, जिन किसानों की जमीन नहीं गई है उनको 64% कुछ जगह दे रही है, कुछ जगह नहीं दे रही। वहां पर इंडस्ट्री जोन घोषित कर रखा, उन किसानों की जमीन जा रही, एयरपोर्ट का मामला जेवर का हो तो वहां पर मीटिंग है। उसके बाद में 9 अगस्त ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, 9 अगस्त को ट्रैक्टर, क्योंकि अगस्त के महीने में 15 अगस्त को हम ट्रैक्टर परेड निकालते थे, लेकिन उसका टाइम 6 दिन पहले हो गया, वो 9 अगस्त को रहेगा। हर जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिए जाएंगे, ट्रैक्टर मार्च के बाद दमसा जाएंगे, अपना प्रोग्राम वहां पे करेंगे, एक दिन का प्रोग्राम रहेगा। जो शामली वाले लोग होंगे और हिंडन नदी से इस साइड के लोग होंगे, उनका प्रोग्राम भाजू कट का होगा, क्योंकि भाजू कट भी एक महत्वपूर्ण विषय है। 9 तारीख को वहीं अधिकारियों को बुलवाओगे, वहां पे भाजू कट पे वो प्रोग्राम अपना वहां पे रखो, एक मीटिंग वहां पर होगी ट्रैक्टर मार्च के बाद दम से ही। जो हिंडन नदी है ये सिसोली, इससे हिंडन साटू और ये आ जाएगी, इससे जो ईरला क्षेत्र होगा और जो सामली वाला क्षेत्र होगा वहां पे ही वे सब लोग अपना प्रोग्राम करेंगे, और जगह जिला मुख्यालय पर प्रोग्राम होते रहेंगे। सब अपने संगठन पे बात करो, ये कमेटी में तय हुआ। अभी 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, आज 16, 17 और 18, और उसके बाद में भी जो भी मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पार्टी का हो उसको ज्ञापन दे रहे, संयुक्त मोर्चे का तरफ से ज्ञापन आया, उनको दे रहे हैं कि जो विपक्ष के होंगे हमारी आवाज उठाओ, और जो सत्ता पक्ष के होंगे हमारे किसानों के, जो गांव मजदूर उसके काम है, आदिवासियों के, वे काम करो। मतलब मिलना सबसे है, वो सत्ता का हो वो विपक्ष का हो, उन सबसे मिला जाएगा। मुजफ्फरनगर में जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है उनको दे दिया, बिजनौर वाले हैं उनसे बात कर लेंगे, अगर आज भी होंगे तो आज ये बिजनौर के लोग आ रहे ये दे देंगे, और अब अगर अभी भी नहीं मिलेंगे तो 23 तारीख से संसद शुरू हो रही है तो वहां पे वे सब लोग मिलेंगे। संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में काम कर रहा बहुत मजबूती के साथ में, आपने बहुत ताकत लगाई तो सरकार का कुछ दिमाग ठीक हुआ, अगर सरकारें काम नहीं करेगी तो इलाज उनका फेर होगा। आप अपने काम पर लगे रहें, अपने संगठनों पर लगे रहें, जो संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है उस पर हम सब लोग काम करते रहें। ये नैनो यूरिया वाला है, बिजली वाले इश्यू हैं, इसका तो बहिष्कार करो, इसकी बहुत शिकायत इसकी आ रही है, और छोटे स्तर पे हमको छोटे स्तर पे गांव की कमेटियों पे काम करना। जो सहकारी समिति होती है सहकारी समिति स्तर पे काम करना, क्योंकि ज्यादातर सहकारी समिति पे किसान का सीधा संबंध होता है, उसके अध्यक्ष बनाओ जो वहां पे काम करता हो, जो वहां पे लोकल पे मोटरसाइकिल पे अपनी साइकिल से 5-7 गांवों में काम कर ले, जो शहर में ज्यादा जाता हो उनको वहां पे बनाओ, वो वहां पे काम मजबूती के तहत में करेगा। जैसे वहां पे अभी जो उसका पैसे का ब्याज का मामला आ रहा है, अभी 7% ले रहे लेकिन वो 3 और 4% के आसपास है, बहुत जगह वो जमा भी हुआ है, कोई अगर ज्यादा ले रहा है तो वापसी होगा। ये वहां पे बैठ के बातचीत मुजफ्फरनगर में सब जगह हुई है, और कल भी किसान दिवस में इन इश्यू पे बातचीत वहां पर हो जाएगी। ज्यादा जिनका काम हो वो लिखित में लेकर आवे, कागज से लिख ले,
आज से ही निकला, वहां पर लिखित में उसको जरूर दे। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद संविधान। लेकिन